चाहिए तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें वक्त भला ही न। चलो वो बता दीजिए क्या करूँ। वो है खिदमतें जो तुम करे इंसानी खिदमत। मेरी जिंदगी में जो बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इंटरनेट की दुनिया में एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज एन उस्ताद, उसका बहुत सारा सिरा निहान अल्लाह वाला साहब को जाता है। ये कहानी जाती है 2016 में, जहां पे इन्होंने मेरा कोई ब्लॉग पोस्ट देखा और उस पर हमारा रब्ता हुआ। गालिबन अगर मेरी याददाश्त सही काम करी है तो मैंने ही शायद पहले इनको मैसेज भेजा था। उस वक्त इंटरनेट की दुनिया में पाकिस्तान में फेसबुक में बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत कम सेलेब्रिटीज थी और मैं इनकी पोस्ट देखता रहता था, लेकिन तजस्सुस था कि ये इंसान है कौन, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तो गालिबन मैंने ही पहले मैसेज भेजा, उसके बाद इन्होंने मुझे रीच आउट किया। आज हिशाम सरवर वीडियोस बनाता है, लाइव सेशन करता है, लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता है, पब्लिक प्रोफाइल है, लेकिन इसका सरा बहुत ज्यादा क्रेडिट रेहान अल्लाह वाला को जाता है। क्योंकि जैसे हम सारे होते हैं, मैं भी फेसबुक पर दोस्तियां नहीं करता था, मेरी पोस्ट जो थी वो सेट टू फ्रेंड्स ओनली होती थी, फॉलोअर्स मेरे खुले को नहीं थे। मेरा पहला फॉलोअर इन्होंने मुझे कॉल करके समझाया कि कैसे फॉलोअर ओपन करते हैं। मुझे इन्होंने इस बात के की जो अहमियत है उसको बावर कराया कि देखो बात करना सीखो, बताओगे लोगों को तो देखना पाकिस्तान में आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्रीलांसर्स जमा हो जाएंगे। यही वजह थी कि क्रेडिट था जब मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कन्वेंशन सेंटर में, तो मैंने रेहान भाई को और अपने एक और उस्ताद इमरान अली डीना, क्योंकि एक यूट्यूब का उस्ताद है और एक फेसबुक का उस्ताद है, तो मैंने दोनों को बुलाया और मैंने कहा जी आप मेरे साथ इस अवार्ड को अनबॉक्स करें। जिसके नाम के साथ अल्लाह वाला जुड़ो तो सोचो अल्लाह पाक का क्या खास करम होगा उस इंसान पे, कितने पौधे लगाए होंगे उन्होंने, बेशुमार लोगों को अपने यू नो अपनी दुनिया से, अपनी चार दीवारी से बाहर निकाल के दुनिया के सामने उनका हुनर, उनका टैलेंट, उनका फन जो है वो मुतारफ करवाया, जिनमें से यकीनन एक अदद मैं भी हूं, जो कि इनकी काविशों का नतीजा है कि आज माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है। लेकिन क्रेडिट बहुत ज्यादा रेहान अल्लाह वाला को जाता है। मेरी दुआ है कि इसी तरीके से ये खैर आफियत का मामला, खैर बांटने का मामला दुनिया के साथ चलाते रहें और लोगों को दुनिया को मुतारफ करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो।